नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। याद है कुछ दिनों पहले जब कोरोना की महामारी बिहार में बढ़ी और मेडिकल स्टाफ की कमी हो गई तो तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के उन नेताओं की फौज खड़ी कर दी जो पेशे से डॉक्टर भी हैं। उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए उन्होंने उनका नंबर जारी कर दिया और समय जारी कर दिया, जिसके बाद उनकी प्रशंसा काफ़ी हुई। तेजस्वी यादव के इस नेक दिल जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया उसकी प्रशंसा बिहार समेत बाहर के लोगों ने भी की और इन डॉक्टरों को फ़ोन करके लोग लगातार उनकी सेवाएं ले भी रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने भी इस पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर लिया है। कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसी स्थिति है, अगर कोई मदद करना चाहता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन तेजस्वी यादव के बाद ही इनकी नींद खुली है। जब नेशनल मीडिया ने इस खबर को चलाया, सबसे पहले भारत लाइव ने चलाया, उसके बाद बाकी सभी चैनलों ने इस खबर के कंसेंट लिया और उसके बाद अब खबर आ रही है कि जदयू ने भी अपने दल की तरफ से एक टीम गठित की है। उस टीम को कोरोना के लेकर संयुक्त कर दिया गया है। कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए जदयू ने बनाई पार्टी के 8 पदाधिकारियों की टीम। लोगों को चिकित्सा सुविधा एवं राहत कार्यों को समुचित जानकारी देने के लिए इस टीम का हर पल प्रयास रहेगा। जनता दल यूनाइटेड कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय अध्यक्ष CRCP सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, वे कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता करें। पार्टी के हर स्तर के पदाधिकारियों से कहा कि अगर अपने अपने क्षेत्र में सेवा करें तो यह बेहतर होगा, साथ ही अपना भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जदयू के 8 पदाधिकारियों की टीम का गठन किया है जो मोबाइल से संपर्क करने पर कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों की सहायता करेंगे। वे 8 पदाधिकारियों और उनके मोबाइल इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इनमें जो नाम है वो नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। आप बेहतर होगा आप जिस क्षेत्र के हैं उसका नंबर लीजिए और प्रयास कीजिए। अगर इनमें से कोई नंबर नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं, हम इसकी भी कलई खोलेंगे। श्री उमेश कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि उपरोक्त टीम कोरोना काल में नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों और उन आप लोगों के बीच सेतु का काम करेंगे। लोगों को चिकित्सा सुविधा और अगर समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो ये लोग कड़ी का काम करेंगे सरकार और जो मशीनरी है उसके बीच। तो देख लिया आपने, जदयू ने भी लटीफी, कहीं ना कहीं RCP सिंह को इंटरफेयर करना पड़ा इसमें और उनके आने के बाद जब स्थिति को अपने कंट्रोल में उन्होंने लिया तो कहीं ना कहीं जदयू ने भी अपनी टीम इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए सुपुर्द किया। क्या लगता है, ये जो टीम बनाई गई है ये टीम कारगर होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।